हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं स्वैपडी चैनल का। यहाँ पर वेलकम। तो चलो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉडमास रूल। एक बेसिक रूल है जो मैथ में बहुत काम आता है। बॉडमास रूल का यूज़ करके हम किसी भी कोई भी बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉडमास रूल क्या है और उसका यूज़ कैसे करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बॉडमास रूल तीनों भाषा में। मैंने यहाँ पर लिखा है आपको समझने के लिए। अगर आप मराठी के लिए हो तो मराठी में फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है। अगर आपको अंग्रेजी में सीखना है तो मिडल में लिखा है, और हिंदी वाले को थर्ड कॉलम पे लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम पे लिखा है मराठी में, जो कि फर्स्ट है कंस, सेकंड है छे छ छ, थर्ड है भागाकार, फोर्थ गुणाकार, फिफ्थ बेरीज, सिक्स वज्रवाक्य। उसका पूरा अनुवाद होता है कंचे भागु बेव। ये है मराठी में। अगर इंग्लिश में कहे जाए इसको तो बॉडमॉस। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एंड लास्ट इज एस, इसका मतलब होता है सब्स्ट्रैक्शन। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो बी का मतलब होता है कोष्टक, ओ का मतलब होता है का, डी डिवीजन का मतलब होता है भाग देना, एम एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणाकार करना, और एडिशन आपको तो पता है जोड़ना, और सब्स्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। तो ये था पूरा बॉडमास, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडमास। तो चलिए ब्रैकेट के बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। तो ब्रैकेट्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैथ के प्रॉब्लम में कुछ चुने गए हुए ही ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि तीन ब्रैकेट मैंने आपको दिखाया है। फर्स्ट इज स्क्वेयर ब्रैकेट, सेकंड इज कर्ली ब्रैकेट, थर्ड इज राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट सबसे छोटा है इन ऊपर के दोनों से, और स्क्वेयर ब्रैकेट है सबसे बड़ा है। कर्ली ब्रैकेट मिडल में आता है, वो राउंड ब्रैकेट से बड़ा होता है और स्क्वेयर ब्रैकेट से छोटा होता है। इन तीनों ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करें ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, आप आगे ज़रूर देखें। जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तब हमें ये देखना होगा कि किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले आती है। मतलब ऐसे कि देखो स्क्रीन पर नंबरिंग डाली हुई है, तो पहले आया है ब्रैकेट्स। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट ऑप को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हमें सब्स्ट्रैक्शन को सॉल्व करके अपना आंसर निकालना होगा। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन 5 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। इसका अभी सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें जो ऑफ दिया हुआ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, बट जो प्रायोरिटी मतलब जो महत्व होता है आपका वो डिवीजन से पहले होता है, इसीलिए सबसे पहले आपको छुड़ाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि 5 जैसे का वैसा रहेगा, आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, उसके बाद पहले 5 इंटू 5। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 5, और आंसर आ गया फिर इज इक्वल्स टू 5। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। आपका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही, बट उसकी प्रायोरिटी डिवीजन से ज़्यादा होती है, इसलिए उसी को पहले सॉल्व करेंगे। सो 10 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले आपको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 इंटू 2 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो 20 जैसे का वैसे रहेगा, और 3 बाय 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3
डिवाइडेड बाय 2, सो 2 का भाग जाएगा 20 में, देन 10 इंटू 3, सो 30 आंसर आ गया है आपका। चलिए अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है पहले से, ठीक है। तो क्वेश्चन 28 इंटू 48 माइनस 18 इंटू 38 डिवाइडेड बाय 132 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 माइनस 8, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि बड़ा ब्रैकेट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। हमें पहले उसी को सॉल्व करना होगा, तो पहले का जैसे का तैसा लिखने का, 28 इंटू 48 माइनस 18 इंटू 38 डिवाइडेड बाय 132, 4 प्लस 10 6, 6 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाय 2। चलिए अभी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सेकंड वाले पहले, ठीक है। सो 28 इंटू 48 माइनस 18 इंटू 38 डिवाइडेड बाय 132 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 66। सो 28 इंटू 48 माइनस 18 इंटू 38, ठीक है। 28 इंटू 48 इक्वल्स टू 6 1 3 4 4 माइनस 18 इंटू 38 इक्वल्स टू 6 8 4 डिवाइडेड बाय 66। सो इसका माइनस आएगा 660 डिवाइडेड बाय 66। सो आंसर आ गया अपना 10। ये रहा आपका सॉल्यूशन। आगे चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 100 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 प्लस 19 माइनस 16। तो देखिए, और हाँ, इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो पहले उसी को सॉल्व करेंगे जो बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ऑफ दिख रहा है, तो हम पहले उसको एज इट इज लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक है। देन 100 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज इनटू आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 2 प्लस 19 21 माइनस 16, ठीक है। अभी पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। सो 50 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 21 माइनस 16। सो 25 इंटू 5 125। डिवाइडेड बाय 5 इंटू 21 माइनस 16। फिर से रूल के हिसाब से हमें डिवीजन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 125 डिवाइडेड बाय 5 को पहले सॉल्व करेंगे, देन 25 इंटू 21 माइनस 16, देन अगेन रूल के हिसाब से 25 इंटू 21 इक्वल्स टू 525 माइनस 16, और आपका आंसर आ गया है 509, ठीक है। जो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो सभी प्रॉब्लम बॉडमास रूल के ऊपर करते, ठीक है। आपने अभी तक ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। आपको कुछ बोलना है इस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।